गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान क्या देना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एनसीईआरटी का सलूशन जो आपको देखना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आप टाइप करिए एनसीईआरटी सलूशन, आगे लिखिए उसमें इन हिंदी। अब हिंदी करने के बाद जैसे ही आप इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो आपके पास में इन हिंदी में सलूशन ये वाला पोर्शन आ रहा है। क्योंकि मैं पहले से अपने मोबाइल में इसे इंस्टॉल करके रखा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, इसी को आपको इंस्टॉल करना है। क्योंकि हमारे में पहले से है तो हम इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन कर लेंगे तो ये सब आता रहता है, तो इसको नहीं करना है। हम आपको शुरू से ओपन करके दिखा दे रहे हैं कैसे ओपन करेंगे आप। ये मेरे में है एनसीईआरटी। अब आप इसमें जा कर के जो भी क्लास को ज्वाइन करना है, ये थर्ड से लेकर ट्वेल्थ तक है, तो हम कक्षा 12 सलूशन हिंदी में इसको क्लिक कर दिए। ये कुछ चीज़ें आपको पब्लिकेशन के लिए आती हैं, इनको आपको क्लोज कर देना है, ओपन नहीं करना है। इसके बाद आपके पास विषय आ गया। सपोज करिए कि मुझे कक्षा 12 में केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट देखना है, तो फर्स्ट पार्ट को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसमें देख रहे हैं टॉपिक के नाम आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर आपको देखना है 11th में, तो चलिए कक्षा 11 में चलते हैं। ये सब्जेक्ट आ गए, तो अब केमिस्ट्री भाग फर्स्ट 11, इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसमें आपके पास भाग एक में टोटल 7 चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टरों को इन्होंने रखा है। सपोज करिए कि हम परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं और परमाणु संरचना के सलूशन को देखना है, तो इसमें दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो आप ऑफलाइन यानी जो ग्रीन कलर का है उसको टच ना करिए, ब्लू कलर को टच करिए और उसको डाउनलोड कीजिए। ये डाउनलोड आपके मोबाइल में स्पेस है, बहुत बड़ी फाइल नहीं होती, ये आप में डाउनलोड हो गया। जैसे ही डाउनलोड हो गया तब आप इसको ओपन कर दीजिए। ये फिर से पब्लिकेशन आ गया है ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस, इसको आप क्लोज कर दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए आपके पास ये सलूशन आ चुके हैं एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं, जो पाठ के अंदर एग्जांपल्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब के सब यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो आप इन तमाम चीज़ों को देखिए और समझिए, और जिन क्वेश्चन का आंसर आपके समझ में नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं बन पाएगा, वो आप मुझे ज़रूर बताएं, कॉल करके बताइए या क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, कॉल करके बता दीजिए इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, उस चीज़ को मैं आपको इजीली समझा देंगे और आपसे आने लगेगा। इस तरह से आपको किसी भी विषय पे बात करनी है, वो सभी विषय दिए हुए हैं, आप उन विषयों को लेकर के इनको कर सकते हैं, देख सकते हैं और सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगे। इस तरह से आपको ये देखना है, ये जो वीडियो है ये इसको आप एक बार दो बार सीखिए, समझिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये बार बार जो आते रहते हैं कुछ पब्लिकेशन, उनको आपको क्लोज कर देना है, बंद कर उसको ओपन नहीं करना है, नहीं आप दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे और आपको जो चीज़ चाहिए होगी उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आप इसको देखिए और समझ के सभी सलूशन को टच कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी बुक में दी है उनको देखिए, उन्हीं प्रॉब्लम से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने हैं, तो आप उसको बकायदा देख लीजिए। और जो मैं टीच कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, उन तमाम चीज़ों से उसको आप अपने सिलेबस पे ऐड कीजिए और सही आंसर लिख करके सलूशन को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।